पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम बाबा महाकाल के शिखर दर्शन कर पूजन अर्चन की। बाद में बाबा महाकाल से महामारी से मुक्ति मिले ऐसी कामना की। दर्शन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान के घर भी पहुंचे और करीब एक घंटे तक सभी विधायकों के साथ नूरी खान के घर मौजूद रहे। नूरी खान पर विगत कुछ ही दिनों में कई धाराओं में अलग अलग मामलों में FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें से दो मामले मुख्य हैं। नूरी खान ने विगत दिनों अस्पतालों की बिगड़ती व्यवस्थाओं पर अस्पताल पहुंचकर व निजी ऑक्सीजन प्लांट जिसे शासन ने अपने अंडर में कर रखा है उसको लेकर कई तरह के आरोप सरकार पर लगाए थे। वहीं एक मामले में नूरी पर धारा 144 के उल्लंघन मामले में सीधा जेल भेज दिया गया था। सीएम शिवराज के आगमन पर नूरी को बिना जमानत के छोड़ने की मांग कांग्रेस ने रखी थी, जिसके बाद देर शाम नूरी को जमानत पर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नूरी के घर पहुंचे हैं। सूत्रों की माने तो नूरी को जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस देने वाली है। मैं तो नूरी की प्रशंसा करता हूँ, उसने जनता की आवाज उठाई। वो कौन सी घरेलू मामले के लिए गई थी और 3 दिन बंद रही? ये राजनीति क्या ऐसी राजनीति चलेगी? ये प्रशासन को बंधुआ बनाना चाहते हैं और मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप अपना भविष्य भी सुरक्षित रखिएगा। ये कहेंगे मैं धमकी दे रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं भी चाहता हूँ उनका भविष्य सुरक्षित रहे। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अब इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। नूरी खान ने मीडिया से चर्चा में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक छोटे से कार्यकर्ता की आवाज में आवाज मिलाकर आज मेरे निवास पर पहुंचे हैं और मेरा हौसला अफजाई किया है, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। एक साधारण सी और छोटी सी कार्यकर्ता के लिए बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैं लड़ी, मैं सत्य के लिए लड़ी, मैं आम जनता के इलाज के लिए लड़ी, ऑक्सीजन के लिए लड़ी, लेकिन हर बार प्रशासन ने मुझ पर कार्यवाही करते हुए मुझे कभी थाने और कभी जेल भेजने का काम किया। आज आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी मेरे निवास पर पहुँचे और उन्होंने मुझे बधाई दी। ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी उज्जैन पधारे और मेरे निवास पर आए। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ये जो मेरा हौसला वर्धन आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा किया गया है, इससे पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन और BJP सरकार को ये कह दिया है स्पष्ट तरीके से श्री कमलनाथ जी ने कि वो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता की लड़ाई में साथ में खड़े हैं और इस तरह की ज्यादती और जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भगवान हनुमान की प्रतिमा भेंट कर उनका शॉल श्रीफल से सम्मान किया। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बैनवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।